संभालो ना। हाँ मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। शादी के बाद से ना कपड़ों की कमी होने लगी है। कपड़ों की मुझे वैरायटी थोड़ी सी कम लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ पे आई एम गेटिंग ऑल ड्रेस्ड टू गो आउट ऑन अ कॉफी डेट विद माय हस्बैंड। उसने अभी फ़ोन करके कहा कि तुम तैयार हो जाओ, आई टेक यू आउट फॉर अ कप ऑफ कॉफ़ी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और फटाफट से तैयार होने लगी। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू गो आउट फॉर कॉफ़ी और मूवी और एनीथिंग विद योर हस्बैंड और पार्टनर। तो देखते रहिए। यहाँ पे आई एम फाइनली ऑल ड्रेस्ड फॉर द इवनिंग। यहाँ पे है अरिंदम, इवन ही इज ड्रेस्ड। हम फिर निकल गए। पीछे एक लॉन्ड्री का बैग दिख रहा होगा, वो हम जाते वक्त दे देंगे फॉर आयरनिंग। शाम हो चुकी थी, वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर हम पहुंच गए हमारे घर के पास। एक मॉल है, ये वाली मॉल आपने बहुत बार देखा होगा मेरे व्लॉग्स में। सो, जैसे ही हम मॉल में पहुंचे, मैं फटाफट चली गई मार्क्स एंड स्पेंसर्स में। वहाँ पे मैं जाकर देखना चाह रही थी कि कोई नया कलेक्शन आया है कि नहीं। मैं अंदर गई एंड आई स्टार्टेड चेकिंग आउट, लेकिन मुझे कुछ पसंद ही नहीं आया यहाँ पे, तो हम फटाफट से निकल गए। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक आउटलेट है ज्वेलरी की, तो वो मैं देख रही थी। फिर मैं पहुंच गई शॉप स्टॉप और वहाँ पे भी मैं कुछ कपड़े लेने की फिराक में थी, मैं देख रही थी। बट सैडली मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। सो, हम डायरेक्टली निकल के चले गए कॉफ़ी पीने के लिए। यहाँ पे द मॉल इज़ सेलिब्रेटिंग देयर 10 ईयर्स, तो वहाँ पे सजाया हुआ था। कॉफ़ी पीने पहुंच गई मैं, इधर बैठ गई और यू नो, पूरा खाली था। सो, इधर अरिंदम निकल गया टू गेट आर कॉफ़ी। फिर उसने मुझे बुलाया, व्हाट यू वांट टू ईट। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या खाना है। फिर इधर मैं कॉफ़ी मग्स एंड ये जो सिपर्स है वो चेकआउट करने लगी। फिर अरिंदम गॉट अ ड्रिंक, अ न्यू ड्रिंक। फिर हमने वो ट्राई किया, इसमें डार्क चॉकलेट था जो कि अरिंदम को बिल्कुल पसंद नहीं आया। फिर उसने मुझे कहा कि तुम ट्राई करके बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। आई ट्राइड इट, इट वॉज ओके, मैं ये जनरली पीती नहीं हूँ। फिर अरिंदम गया टू गेट इट एक्सचेंज। फिर हमारा यहाँ पे आ गया था कॉफ़ी। वी ऑर्डर्ड एग एंड चिकन इन मल्टीग्रेन क्रोसॉन एंड सम मुर्ग चिकन पफ। फिर हम यहाँ पे खा रहे थे और वी वर इंजॉयिंग सम गुड टाइम्स। वो पफ जो था वो बहुत अच्छा था। फिर अरिंदम यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ लेकर आया है, एक पफ लेकर आया है और एक चिकन काठी रोल लेकर आया है। मैं बिल्कुल फुल हो चुकी थी, सो आई डिड नॉट ईट दैट।
इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर. यहाँ पे हम बहुत देर तक रिलैक्स्ड होके बैठे थे और हम बातें कर रहे थे, बहुत सारी बातें. कभी कभार आप एक साथ होकर भी बात नहीं कर पाते. अ चेंज ऑफ एम्बियंस कैन मेक यू टॉक एंड फील रिलैक्स्ड. तो उस तरह से आप अनरिजॉल्व्ड इश्यूज कम्युनिकेट कर सकते हैं. We had a really long conversation. We were at that coffee shop for almost an hour or so. फिर कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद हम निकल गए थे मॉल को. आज बहुत अच्छी तरह से अलग अलग स्टोर को रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने सजाया हुआ था एंड इट लुक्ड रियली नाइस. हमने थोड़े बहुत पिक्चर्स क्लिक किए. फिर हम निकल गए यहाँ से. वी वर हेडिंग आउट और मैं इधर उधर देख रही थी और तभी मैंने एक स्टोर में एक बहुत अच्छा सा टॉप देखा एंड देन आई डिसाइडेड टू ट्राई इट आउट. फिर मैंने बहुत सारे कपड़े ट्राई आउट किए. इनमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा दिस वन, दिस ग्रीन कलर. बट सैडली ये मुझे फिट नहीं आया. अगर मैं एक साइज़ बड़ी ले रही थी तो वो ज़्यादा ढीला हो रहा था और एक साइज़ छोटी ले रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था. सो आई डिसाइडेड टू नॉट टेक इट. एंड फाइनली अभी हम निकल गए मॉल से एंड विल गो होम. ये शाम बहुत ज़्यादा अच्छी थी. क्या आप मून देख पा रहे? हम आ गए हैं वापस घर. तो टाइम इज 10:30 और बहुत अच्छा डेट नाइट था. रियली एंजॉयड द कॉफ़ी एंड द लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद इट. और थोड़ा बहुत मैंने शॉपिंग किया. पहले हम गए थे मार्क्स एंड स्पेंसर्स. उसने आई थॉट मैं हर बार जाती हूँ जब भी आई थिंक ऑफ शॉपिंग, बट कुछ भी अच्छा नहीं लगा. तो फिर हम कॉफ़ी पीने चले गए. आई चेक शॉप स्टॉप ऑल्सो, बट वहाँ पे भी कुछ नहीं था. तो कॉफ़ी पी के निकलने ही वाले थे हम बस, तभी आई सो अ ग्रीन कलर की एक टॉप. वो बहुत अच्छी लगी मुझे. बट ना उसकी जो स्लीव्स थे वो बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके जो उसका जो बॉडी था वहाँ पे थोड़ी सी मतलब मटेरियल कम था. इट लुक लाइक अ क्रॉप टॉप. तो फिर वो नहीं लिया. थोड़ी बहुत टी शर्ट्स ली है मैंने वेरोमोडा से. मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैंने कौन कौन से लिए हैं. वैसे तो आपने ट्रायल मैं कर रही थी तो आपने देखा ही होगा, बट कुछ कुछ रैंडम ने लिया नहीं है. सो लेट मी क्विकली गो अहेड एंड शो इट टू यू. सबसे पहला लिया है ये वाला, एक घर में पहनने के लिए एक टी शर्ट, एक इस तरह का है. मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया, लेकिन ठीक है. अरिंदम बोल रहा था ले लो तो ले लिया. ये वाला नंबर वन. देन आई हैव दिस वन. ये वाली एक टी शर्ट पिंक कलर की है. पता नहीं लाइटिंग सही है कि नहीं. सो ये वाली लॉन्ग स्लीव्स है. ये ली मैंने. ये ब्लैक कलर में है. अगेन लॉन्ग स्लीव्स है इसके और ऐसा दिखता है. ये काफी अच्छा लग रहा था ना. बहुत अच्छा लग रहा था. ये वाला ग्रीन कलर की
ये थिक मटेरियल है, पता नहीं वहां पे तो अच्छा लग रहा था, जनरली मैं ले लेती हूँ फिर अच्छा नहीं लगता। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ग्रीन कलर की। ये शायद आपने मुझे पहन के देखा है, इसकी मटेरियल मुझे बहुत अच्छी लगी। एक शर्ट है, नाइस ना। ये सारा ले लिया है मैंने। ये हमारी स्टोरी थी डेट नाइट की, कैसा लगा? बहुत अच्छा। व्हाई डिड यू प्लान अ डेट नाइट? जस्ट ऐसे ही कभी कभी डेट नाइट पे जाना चाहिए ना। हाँ वो तो जाना चाहिए डेट नाइट पे, सीरियसली। कपड़े भी नहीं थे ना। हाँ मेरे पास कपड़े भी नहीं थे। और हाँ, जस्ट बिकॉज शादी हो गई है डजंट मीन आप डेट नाइट्स पे नहीं जाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर पार्टनर आउट, क्योंकि उससे क्या है थोड़ा सा चेंज होता है एंड यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स, अच्छा रहता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।